उन्होंने कुछ बताया भी नहीं क्या क्या किया होगा उसके साथ में। एक माँ बाप का कितनी उम्मीद होती है बेटी, फिर ससुराल वाले ऐसे करके फिर फरार हो जाते हैं तो कैसे न्याय मिलेगा। वो लोग को न्याय चाहिए और मेरा छोटा बच्चा उसकी माँ चीनी है दूध पीते बच्चे को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई में 16 अक्टूबर को ही जैन समाज की विवाहिता दीपिका की संदेहजनक मौत। मामला आत्महत्या का है या विवाहिता की हुई थी हत्या, अब भी मामले पर पड़ा हुआ है पर्दा। पियर पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष पर लगाया गया हत्या का आरोप, आरोपी ससुराल पक्ष 40 दिनों से चल रहा है फरार। वसई के मानिकपुर पुलिस थाने की हद में न्यू गणेश कृपा बिल्डिंग मीरानगर नामक सोसाइटी में 16 अक्टूबर को दीपिका धनराज मेहता नामक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका दीपिका के ससुराल वालों ने मृतका की मौत के पीछे मृतका द्वारा गले में फांसी लगाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या किए जाने की बात कही थी। हालांकि मृतका के ससुराल पक्ष ने बिना पुलिस को सूचित किए मृतका को अस्पताल पहुँचा दिया, जहाँ अस्पताल प्रशासन ने महिला को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस की देखरेख में मृतका के शव को वसई के पोस्टमार्टम सेंटर भेजकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। यह सब कुछ घटनाक्रम काफ़ी जल्दी में घटित हुआ। ऐसे में मृतका के पियर पक्ष के लोग जो कि बोरीवली में रहते हैं, उन्होंने वसई पहुंचकर अपने बेटी के खोने के गम में बेसुध हालत में बिना परिस्थितियों की जाँच किए मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया और एक बारगी मामला खत्म सा हो गया। लेकिन मामले के एक दो दिन बीतने पर पियर पक्ष को जब यह एहसास हुआ कि उनकी लाडली ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसके साथ साजिशन हत्या अंजाम दी गई है, तब पियर पक्ष ने वसई मानिकपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने की भरसक कोशिश की। लेकिन मृतका के ससुराल पक्ष ने पैसे के दबाव के चलते मामला दबाने की पूरी कोशिश की। फिर जब पीड़ित परिवार ने मजबूर होकर पुलिस महकमे के सबसे आला अधिकारी मीरा भाईंदर आयुक्त सदानंद दाते के से गुहार लगाते हुए मामले में न्याय की मांग की और पुलिस आयुक्त ने मणिकपुर पुलिस को निर्देश दिए, तब जाकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। जैसे ही मामला दर्ज हुआ आरोपी फरार हो गए। मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी के डुलमल रवैये के चलते आरोपी कानून की गिरफ्त से दूर ही रहे, जिसके बाद फिर एक बार पीड़ितों द्वारा आला अधिकारियों से गुहार लगाए जाने पर मामले के जाँच अधिकारी को हटा दिया गया एवं मामले की जाँच नए अधिकारी को सौंपी गई। तब वर्तमान जांच अधिकारी ने सही दिशा में जांच कर न्यायालय के सामने तथ्यों को सही से पेश किया, जिस कारण न्यायालय ने आरोपी ससुराल पक्ष की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद महसूस हुई। हालांकि सभी आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश मणिकपुर पुलिस कर रही है। इस मामले के शुरुआती कुछ पहलू बेहद संदेहजनक रहे हैं, जैसे कि आरोपी ससुराल पक्ष ने बिना पुलिस को सूचित किए मृतका के शव को क्यों उतार दिया। अगर यह मान लिया जाए कि जिस वक्त मृतका को पंखे से उतारा गया था तब मृतका की सांसें चल रही होंगी और मृतका की जान बचाने तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब भी ससुराल पक्ष ने खुद पहले दिन आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय मणिकपुर पुलिस ने पहले उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और आला अधिकारियों के निर्देश के बाद मामले के 5 दिन बीतने पर FIR दर्ज की थी, तो पुलिस के इस रवैये के पीछे का कारण क्या था? क्या एक इंसान की जान चली जाना किसी मामले के दर्ज होने के लिए काफ़ी नहीं है? पीड़ित परिवार ने यह आरोप भी लगाया कि जब तक मामला दर्ज नहीं हुआ था तब तक आरोपी परिवार वसई में ही था और मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए, तो अगर ससुराल पक्ष इस मामले में गुनहगार नहीं है तो कानून से भाग क्यों रहे हैं? खैर, इस पेचीदा मामले में सवाल तो और भी कहीं उठने बाकी है, लेकिन फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि एक माँ जो कि अपने कुछ महीने के बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है, उस माँ के मासूम बच्चे समेत परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। क्या नाम आपका सर? धनराज मेहता। मेहता जी, आपकी जो बेटी का मामला हुआ था वसई में, हाँ, वो उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले, प्रशासन से और न्याय व्यवस्था से मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि वो मुझे न्याय दिलाने में कष्ट करे और मैं मेरी बेटी को आगे और ये अपना समाज में या और किसी के साथ में ऐसा नहीं होवे, इसके लिए भी मैं
सब समाज और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे को न्याय दिलाने का कष्ट करवावे और मेरा ये न्याय दिलाए और आगे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ में हुआ वैसा और समाज में किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। क्या पानी मेहता आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी कि वो मेरी बेटी इतनी होशियार थी, इतनी समझदार थी और वो लोगों ने ऐसा किया तो हमको जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए बस। और उसमें न्याय ये कि अपन बोलते हैं कि भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर ऐसा होएगा तो क्यों बेटी पढ़ाएगा और कौन बेटी बचाएगा? एक माँ बाप कितना उम्मीद के साथ बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते अरमानों के साथ ससुराल में भेजते हो, फिर ससुराल वाला ऐसा करेंगे तो कौन भरोसा करेगा? फिर अगली पिंडी में ऐसा क्या हो सकता है? वो न्याय चाहिए कि समाज में भी ऐसा ना होए किसी के साथ में। और पूरा डिपार्टमेंट समाज भारत की बेटी है, वो सब साथ में रह के हमको न्याय दिलाए बस इतना चाहिए। मेरे को दीपिका भी आने वाली नहीं है, वो इतनी बहादुर लड़की थी, उसको बच्चे को वो अकेली पाल सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन हमको मौका ही नहीं दिया। उस ससुराल वालों ने कुछ बताया भी नहीं क्या क्या किया होगा उसके साथ में। एक माँ बाप का कितनी उम्मीद होती है बेटी, फिर ससुराल वाले ऐसे करके फिर फरार हो जाते हैं तो कैसे न्याय मिलेगा? वो लोग को न्याय चाहिए और मेरा छोटा बच्चा उसकी माँ चीनी है दूध पीते बच्चे को, तो उसके बच्चे को भगवान के भरोसे अभी तो वो, लेकिन बाद में भगवान उसको भी कुछ हमारे पास दिलाएगा या कुछ उसके लिए हम करेंगे जो भी हो सकेगा वो बच्चे के लिए। क्या नाम आपको? जी मेरा नाम संजय धनराज मेहता है। उन्हें जी आपने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई कि आपकी बहन दीपिका जो वसई में जिनकी शादी हुई थी उनके उनके ससुराल वालों के खिलाफ आपने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया, क्या मामला है? जी ये एक अकस्मात मृत्यु हुई है मेरी बहन की। 16 तारीख को मेरा जन्मदिन था, उसी दिन हमें अचानक खबर मिलती है कि दीपिका बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं वैसे हमको पता चलता है कि दीपिका अब हमारे बीच नहीं रही है। फिर हमारे मन में कुछ प्रश्न आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रिगार्डिंग, हमने पोस्टमार्टम करवाया तो वहाँ पे भी हमें बराबर कॉर्पोरेशन मिला नहीं पुलिस और हॉस्पिटल के थ्रू। उसके बाद जब हमने मेरे जिया जी को उनके पप्पा को हमने कुछ सवाल किए कि ये क्या हुआ क्यों हुआ, तो उनका बोलना है सब नॉर्मल था। तो नॉर्मल स्थिति में कोई इंसान घर पे जाके सुसाइड नहीं करता है अपने रूम में जाके, और दीपिका का खुद का रूम होते हुए भी वो दूसरे के ससुर जी के रूम में जाके क्यों मरना चाहेगी? उसके सुबह 7-7:30 बजे दीपिका तैयार होने वाली थी, दोपहर को 2:30, 3 बजे, 5 बजे जब भी हमने उसकी बॉडी देखी तो वो नाइट ड्रेस में थी, तो उसका क्या कारण है उसके पीछे? 11 बजे से वो बोलते हैं कि दीपिका ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है, तो वो 2 बजे तक का इंतजार क्यों कर रहे थे रूम खोलने का? 2 बजे के बाद भी उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, कोई पुलिस वाले को बुलाया नहीं, कुछ भी नहीं। उनके हिसाब से उन्होंने बोलते हैं कि दीपिका लटकी हुई थी, हमने बॉडी उतारी हम डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके चले गए। चलो ठीक है, आपको बचाना था दीपिका को तो आप नज़दीक वाले हॉस्पिटल लेके जाते थे, इतना दूर वाले हॉस्पिटल में कोई क्यों लेके जाएगा? बहुत सारे प्रश्न थे जो हम 16 तारीख को समझ नहीं पाए, बोल नहीं पाए। उसके बाद भी मैं पुलिस मानिकपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गया, वहाँ पे मेरे को पुलिस वाले बोलते हैं, सर सचिन शिंदे सर ऐसा बोलते हैं कि ये आप ते चांगले लोग है, ते श्रीमंत लोग है, FIR ऐसा नहीं होता है, तू पागल है क्या? मेरी कोई FIR दर्ज नहीं की। फिर हमें जाना पड़ा कमिश्नर सर के पास, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, कमिश्नर सर ने फिर वहाँ से मानिकपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोला कि आप इनके FIR क्यों नहीं ले रहे हो, ये घटना हुई है, ये दर्ज कर सकते हो, आप भले डायरेक्ट मर्डर का केस मत लीजिए पर उसका इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। फिर जाके हमारा FIR होता है 21 तारीख को, उसके बाद भी वो सर कुछ एक्शन लेते नहीं है, कुछ भी हो नहीं रहा था वो। और अगर उन्होंने गलत भी नहीं किया है दीपिका के ससुराल वालों ने तो FIR होते ही वो भाग क्यों गए? आज टोटल 40-45 दिन हो गए, अभी तक वो भाग क्यों रहे? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो आप सामने बैठ सकते थे, आप बोल सकते थे कि हम यहाँ पर रहे, आप आपकी इन्वेस्टिगेशन करिए, उनको भागने का क्या हक था? क्यों भागे वो? आप बोल रहे हैं भाग गए, लेकिन 8 दिन तक तो वो यहीं थे। 8 दिन तक नहीं थे सर, उन्होंने 21 तारीख को शोक सभा की, क्योंकि तब तक वहाँ पे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने FIR होने नहीं दी हमारी, उनके पास पैसा है वो पावर के हिसाब से उन्होंने हमारी FIR होने नहीं दी। जैसे ही हमारी FIR होती है 21 तारीख को हम FIR करके वसई से बोरीवली आते हैं और 22 तारीख की सुबह सुबह हमको पता चलता है कि वो पूरा घर परिवार निकल गया है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो क्यों भागे? उनको भागना ही क्यों चाहिए था? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वहाँ पे रुक सकते थे।
लेकिन आपका भी फॉल्ट नहीं है, आपने भी 5-6 दिन बाद में एफआईआर। सर हमारी एफआईआर ली नहीं है मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, मेरे पास एडिशनल कमिश्नर की एप्लीकेशन है, मेरे पास सर सदानंद दाते सर की एप्लीकेशन है, मेरे पास खुद मानिकपुर पुलिस स्टेशन का स्टैंप है। वो बोलते हैं कि ऐसा एफआईआर नहीं होता है, तू पागल है क्या? अभी की क्या परिस्थिति है? अभी ऐसी परिस्थिति है कि उन्होंने सामने वालों ने 27 अक्टूबर को एंटीसिपेटरी बेल डाली थी, जबकि वो जो पुलिस वाला थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी कि सामने वालों ने एंटीसिपेटरी बेल डाली है। वो तो हमें कहीं से पता चला कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाली है, फिर हमने वापस कमिश्नर सर के पास एप्लीकेशन दी, हमने इंचार्ज ऑफिसर जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उनसे सर से रिक्वेस्ट करा कि वो ऑफिसर से केस चेंज करवा के दूसरे प्रकाश कदम सर को दिलाया है। प्रकाश कदम सर ने दिन रात एक करके सब इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको जो जो स्टेटमेंट लेने थे वो स्टेटमेंट लिए है, उन्होंने सब पुरावे जमा किए हैं, वो पुरावे से उन्होंने एक अपना से बनाया था जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत काम की चीज़ थी। जैसे कि दीपिका का मोबाइल, दीपिका 16 तारीख को ऑफ हो गई थी तो उसका मोबाइल 18 तारीख तक शाम को 5 बजे तक चालू कैसे था? दीपिका यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी, वो लैपटॉप की भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। उनके घर पे काफ़ी चीज़ें अपने मिल सकती थी इन्वेस्टिगेशन की जो उन्होंने दी नहीं है, और उन्होंने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डाली थी जो कि कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी है। तो कोर्ट को भी कुछ तो लगा होगा ना कि ये केस में कुछ गलत है और कुछ सही है। प्रशासन है अपना, न्यायपालिका है अपने, संविधान है, और ये संविधान पे मुझे अभी तक पूरा 100% भरोसा है। जब आप बोल रहे हो आपको संविधान पे भरोसा और कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गई, तो वो आपकी क्या अपेक्षा है? अभी मेरी अपेक्षा ये है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए, इसके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन है जो भी चीज़ है वो सच सामने आना चाहिए। उनसे आप जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन होता है हमको नहीं पता, जैसे जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन से उनको पकड़िए, उनको लाइए, क्योंकि आज 45 दिन हो गए और मुंबई पुलिस से कोई बच नहीं सकता है, और मुझे लगता भी नहीं कि वो बच भी पाएंगे। जो भी है उनको पकड़िए, उनको लाइए, और सच सामने आना चाहिए कि मेरी बहन के साथ 16 तारीख को हुआ क्या था वहाँ पे, उन्होंने मारा है, मरी है, जो भी है मैं फैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस वाले का इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट आएगा हमें मंजूर है वो फैक्ट, बस हमें खाली न्यायपालिका से हमारे संविधान से एक ही अपेक्षा है कि इसके इसका जो भी हो रहा है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी सच है वो सच सामने आना चाहिए, ताकि दूसरी बार कोई भी बहन, मेरी बहन हो या किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, एक हिम्मत बननी चाहिए उसको कि उसके खिलाफ उसके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो वो खड़ी होकर बोल सकेगी, क्योंकि अभी दीपिका तो वापस आ नहीं पाएगी। पर एक समाज में, पूरे भारत में एक सबको एक उदाहरण मिलना चाहिए कि गलत के खिलाफ बोलना ही चाहिए, गलत को मत दबाओ। आप कितना भी डराओगे धमकाओगे, सच सामने आने वाला है, और इससे ये चीज आगे दूसरी बार होगी नहीं समाज में, अपने भारत देश में। वारदात चल रही है उसमें आपका क्या कहना है? हमारा एक ही कहना है कि वो उन्होंने जो आत्महत्या बताई है ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। आज जब आत्महत्या थी तो कहने का मतलब जैसे भी किसी भी लड़की की या किसी भी औरत की जान जाती है तो पहले वॉशरूम बाथरूम वगैरह भी होता है, जीभ जो निकलती है उनकी वो जीभ ऐसी बाहर आई रहती है, आँख का आँख में से पानी रहता है, ये सब चीज़ें का फोटोग्राफी ये सब जीव उन्होंने आजूबाजी वालों को बुलाकर या पुलिस को बुलाकर उसका वीडियो रील क्यों नहीं लिया? उसके बाद में भी चलो उन्होंने पीएम करवाने भेजी तो पीएम करवाने में भी उन्होंने देरी क्यों की? उन्होंने पीएम 20 दिन तक तो उन्होंने पीएम रिपोर्ट नहीं भेजी थी कालीना, ये सब क्यों हो रहा है? उन दीपिका के साथ में जो भी हो रहा है अन्याय हो रहा है। आज जैसे ही एफआईआर हुई उनको मालूम पड़ गया तो वो सेकेंड डे ही इधर से मुंबई छोड़ के चले गए, और 29 तारीख तक अपना मौलेला गाँव के गली के अंदर दिखे हैं बच्चे के साथ, और 30 तारीख के बाद में वो गायब हो गए। जब मुंबई की पुलिस पहुंचती है तो उधर भी उनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है और वहाँ से भी चले जाते हैं। आज कम से कम 35 दिन हो गया, 36 दिन हो गया है, आज कम 36 दिन ही मेरे हिसाब से 40 दिन के ऊपर हो गए, 40 दिन होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस उनके माता पिता को और वो पीयूष बोहरा को नहीं पकड़ पाई। 100% इसमें कोई ना कोई नहीं पकड़ने का कारण क्या है? जब हमारे कोई भी छोटे मोटे आरोपी होते हैं एक दिन में नहीं पकड़े जाते हैं तो सेकेंड डे उनके घर पे जाके पुलिस पकड़ लेती है, और उनके मोबाइल उनके रिलेशन वाले फिगर है, एक जन रहेगा तो ठीक है, चारों जन का फोटो है। आज माँ बाप का फोटो है उनका, उसके हस्बैंड का पीयूष बोहरा का फोटो है, और ये सब चीज़ें जो भी हुई है 100% पीयूष बोहरा ने गलत किया है। पीयूष बोहरा एक दिन पहले रात को 11 बजे किसी ओपनिंग में जाके आता है, उसके बाद 12 बजे सोता है, 12 बजे उसके साले को जन्म की ये हैप्पी बर्थडे कहता है,
उसकी माँ ने उसको अभिभूत करता है और उसी रात को उसका मतलब हत्या हो जाती है। और सेकेंड डे उसको 11 बजे उसके ससुरे वगैरह मुंबई जाके उसको बताते कि इसकी हत्या हो गई। ये सचमुच गलत है, पुलिस इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मेन खुशी की बात है कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारे इस बाबत में उसका भाई जो मेहता, संजय मेहता, वो आज भरचक कोशिश कर रहा है। आज उन्होंने एंटीसेप्टिक भी डाल दी, आज 40 दिन से वो घूम रहे हैं। एंटीसेप्टिक क्यों डाल रहे हैं जब वो सही, उन्होंने वो सही है तो एंटीसेप्टिक क्यों, और बारे बारे भटकते क्यों फिर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 40 दिन के बाद में उनको इधर कोर्ट की इनकी एंटीसेप्टिक बेल भी कैंसिल हो गई और उनको कोर्ट से भी रिजेक्ट कर दिया गया। कहाँ जाएंगे तुम लोग? आज मैं तो ये कहता हूँ कि एक बच्चा जो होता है 18 महीने का बच्चा, एक माँ के बिना माँ उसको कैसे छोड़ के चले जाएगी? और माँ आत्महत्या समझो, हत्या आत्महत्या जो कर रही है कि आत्महत्या कर दो, माँ कैसे आत्महत्या कर सकती है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 18 महीने का बच्चे जब पूरा दिन रह जाता है लेकिन शाम के 6:30-7 बजते हैं ना, तो उसको माँ चाहिए। तो माँ कहाँ से लाएंगे, वो माँ कहाँ से लाएगा बच्चा, उसके ऊपर याद कीजिए। आज जो चीज़ पुलिस और हमारे लोग तेरापन समाज के लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि तेरापन समाज लोग आ गया भाई, थानकवासी समाज आ गया भाई, हर जैन धर्म का आदमी आ गया, और आगे आके संजय मेहता को न्याय दिलावे, और तभी ये काम, नहीं तो कहीं किसी की बेटियाँ जाएगी, किसी की बहुएँ जाएगी, किसकी माँ जाएगी, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला है। 7 दिन की बात रहेगी और 13-14 दिन में सब भूल जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, इस पर ठोस से ठोस कदम उठाकर ऐसों को सजा देनी चाहिए और उनको समाज से निकाल देना चाहिए। ऐसी ठोस कार्रवाई एमआरएसएस सबका एक स्टैंड है कि जब हमारे पास में संजय मेहता आए थे, उन्होंने हमारे से मदद मांगी, तो अब आज कम से कम 35-40 दिन से हमारी मदद चालू है। और हमने यहाँ तक कि महिला आयोग में भी उनकी एप्लीकेशन करवाई, हमने मानवाधिकार आयोग में भी उनकी एप्लीकेशन करवाई, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के गृह मंत्री जी को, और दातार साहब हमारे, दाते साहब जो हमारे कमिश्नर है, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी है। और सब तरह से हमने, यहाँ तक कि अगर ये 5-7 दिन में नहीं हुआ तो हम कंप्लीट इधर धरने पर बैठेंगे, मोर्चा भी निकालेंगे, जो भी हमारे लोग MRSSF के लोग कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।